तो गाइज़ यार आज मैं आपके लिए बेस्ट कैप्चा टाइपिंग जॉब लेके आया हूँ, जहाँ पे आप कैप्चा टाइपिंग का काम करोगे और यहाँ पे आप अपने पैसे को पेटीएम में विड्रॉ ले सकते हो यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे आपको 1 रुपीज़ के लिए सिर्फ 1272 कॉइन्स चाहिए, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे 72 कॉइन्स की अर्निंग कर लेते हो और यहाँ पे 1 रुपीज़ की अर्निंग हो जाता है आपका। और मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको एक कैप्चा का 40 कॉइन्स मिलता है, ठीक है। एक कैप्चा सॉल्व करोगे 40 कॉइन की अर्निंग होगा एंड देख सकते हो यहाँ पे 1272 कॉइन्स में आपको यहाँ पे 1 रुपीज़ बैठता है, ठीक है। अभी मैं आपको फुली कैलकुलेट बताऊंगा कि आप यहाँ पे कितना अर्निंग करने वाले हो, कितना यहाँ पे विड्रॉ मिलेगा, कैसे विड्रॉ लोगे। तो गाइज अगर आप कैप्चा टाइपिंग का काम करना चाहते हो तो ये वीडियो को पूरा देखना, वीडियो बहुत ही मस्त होने वाला है, ठीक है गाइज। और अगर आप सच में अर्निंग करना चाहते हो तो इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस साइड में सिंपल से आपको रजिस्टर कर लेना होगा। अपने ईमेल आईडी बेसिक डिटेल डालने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पे लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपका जो बेसिक डैशबोर्ड आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से शो करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसा कि मैंने देखो यहाँ पे 210 कॉइन्स की अर्निंग कर लिया है, जो कि मैंने आपको कहा एक कैप्चा सॉल्व करोगे तो आप यहाँ पे 40 कॉइन्स की अर्निंग करोगे, ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ पे और ज़्यादा अर्निंग कैसे करोगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो गाइस सबसे पहले दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया, आप यहाँ पे अपना डैशबोर्ड में आ चुके हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कैप्चा टाइपिंग का काम कैसे करना होगा, तो उसके लिए सिंपल सा आपको यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करोगे। और ये काम मैं फ़ोन से कर रहा हूँ, आप अपने फ़ोन से कर सकते हो बहुत ईजी तरीके से। अगर आपके पास लैपटॉप या PC है तो और अच्छी बात है। तो गाइस सिंपल सा आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखो तो आपके सामने यहाँ पे क्लेम वाले ऑप्शन का यहाँ पे दिखेगा मेन्यू, तो यहाँ पे तीर पे क्लिक करोगे आपके सामने आ जाएगा मैनुअल। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा कैप्चा टाइपिंग वर्क का काम करने के लिए। गाइज यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से आप पर डे जो काम करोगे वो यहाँ से 100 से लेकर 200 या फिर उससे भी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे 500-600 रुपीज़ उतना ज़्यादा अर्न नहीं कर सकते हो इस साइड से, ठीक है। जो सच है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कोई मैं यहाँ से आपको मतलब चूतिया नहीं बनाऊंगा, कोई नहीं आपका यहाँ पे जो टाइम वेस्ट मैं नहीं करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस देख सकते हो जैसा कि आप यहाँ पे आओगे कैप्चा टाइपिंग वर्क में, और यहाँ पे जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पे जब आप आओगे ना तब आपको यहाँ पे कैप्चा टाइपिंग वर्क का काम करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे आपको पर डे 10,000 कैप्चा मिलेगा, ठीक है। 10,000 कैप्चा को आप सॉल्व करके और ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। अगर आप करना चाहते हो 10,000 कैप्चा अगर आप सॉल्व कर पाओगे तो ना, तो यहाँ पे आपका जो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आपको जो अर्निंग होगा 500 से लेके उससे ऊपर का यहाँ पे अर्निंग होगा। लेकिन 10,000 कैप्चा सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे जो बहुत ही मेहनत हो जाएगा, 10,000 कैप्चा आप एक दिन में सॉल्व कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। लेकिन एक दिन में जितना सॉल्व कर लोगे ना उससे आपके यहाँ पे 200 से लेके 300 के आसपास यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करना होगा, देखो कैप्चा आ चुका है एंड इसको आपको फिल करना होगा। यहाँ पे इमेज में देखो तो 412, तो आपको यहाँ पे फाइंड करना होगा सबसे पहले 4 कहाँ है। यहाँ पे देखो सबसे लास्ट में 4 है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा, हो गया। उसके बाद 1 को सिलेक्ट करूँगे एंड उसके बाद देखो तो लास्ट में 2 है, तो 2 के ऊपर क्लिक करेंगे, 2 सिलेक्ट हो गया। और ये जो एच कैप्चा है ना यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ये वाला कैप्चा ऑटोमेटिक सॉल्व नहीं होता है, ठीक है। आई एम नॉट अ रोबोट वाला कैप्चा सॉल्व हो जाता है, ऑटोमेटिक ये नहीं होता है, तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे थोड़ा लोडिंग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो इमेज में क्या बोल रहा है, यहाँ पे प्लेन को फाइंड करने के लिए एयरप्लेन, ठीक है। तो इमेज में कहाँ कहाँ एयरप्लेन दिख रहा है इसको हम सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से। 3 इमेज हमें मिल गया, तीनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद वेरीफाई कर देंगे, तो वेरीफाई हो गया। एंड नीचे देखो तो यहाँ पे कलेक्ट योर टोकन्स का ऑप्शन, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करोगे तो आपका एक कैप्चा सॉल्व हो गया। और जिस तरीके से देख सकते हो अभी यहाँ पे 30 कॉइन मिल रहा है, ठीक है। मैंने आपको कहा 40 कॉइन मिलता था, वो मैंने यहाँ पे एक दो दिन पहले यहाँ पे चेकआउट किया था, तब मुझे यहाँ पे 40 कॉइन मिला था, अभी यहाँ पे 30 कॉइन दे रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा दूंगा। यहाँ पे देखो 1 मिनट का टाइम चल रहा है और 1 मिनट के अंदर फिर आप आओगे कैप्चा टाइपिंग वर्क का काम कर सकते हो। अगर आप वेट नहीं करना चाहते हो ना तो और अर्निंग करोगे। देखो कैप्चा टाइपिंग वर्क करना चाहते हो तो आपको वेट करना होगा, अगर आप और अर्निंग करना चाहते हो तो सिंपल सा आप यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करके व्यू एड्स पे आओगे। आने के बाद यहाँ पे देखो आपके सामने यहाँ पे सर्फिंग एड वीडियो एड मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्फिंग पे मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद आपके सामने देखो एड्स आएंगे, ठीक है। ये इस एड्स को कैसे कंप्लीट करना होगा, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे देख सकते हो एंड उसके बाद 50 कॉइन आपको मिलेगा। सिर्फ 8 सेकंड आपको वेट करना होगा, 8 सेकंड वेट करने का आपको 50 कॉइन ऐसे डेली बाई डेली आपको यहाँ पे ऑफर एड्स टास्क आपको मिलते रहेंगे, उसको आपको कंप्लीट करके अर्निंग करना होगा। तो क्या करना होगा, यहाँ पे सर्फ नाव पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करोगे दूसरे वेबसाइट में यहाँ पे रीडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे देखो कोने में टाइमर चल रहा है, मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना होगा
करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे जो वेरीफाई पे क्लिक कर दोगे सिंपल से, यहाँ पे वेरीफाई पे मैं क्लिक कर देता हूँ, एक ही पॉपअप ऐड आ चुका है फ़ोन पे। जो जो प्रोसेस फ़ोन पे होता है वो मैं सब कुछ आपके सामने लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। तो मैं सिंपल से अभी बैक करूँगा, बैक करने के बाद देखे तो 50 कॉइन मुझे रिसीव हो चुका है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे कैप्चा टैपिंग वर्क करना होगा, प्लस यहाँ पे और इनकम, एक्स्ट्रा इनकम आपको ले लेना होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना होगा, फिर से आप आओगे यहाँ पे क्लेम वाले मैनुअल वाले ऑप्शन पे आओगे, कैप्चा टैपिंग वर्क करोगे। देख सकते हो यहाँ पे जो आपका एक मिनट का टाइम ख़त्म हो गया है, मतलब आपने यहाँ पे अपना एक भी मिनट यहाँ पे वेस्ट नहीं किया, हर मिनट आप यहाँ पे अर्निंग करने में लगा दोगे, ठीक है इस साइड में। तो यहाँ पे देख सकते हो फिर से आपका यहाँ पे जो यहाँ पे कैप्चा शो कर रहा है, जो इसको आपको फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे 500 लास्ट में है, उसके बाद 3 3 1 3 1 पे क्लिक करेंगे, उसके बाद 0 Z ओ ठीक है, वो जो भी है लास्ट में इसको मैं सिलेक्ट कर दिया। आई एम ह्यूमन पे क्लिक करेंगे, जो भी हमारा कैप्चर में इमेज में देख सकते हो। सबसे ऊपर यहाँ पे साइकिल को फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो साइकिल को मैं फाइंड करता हूँ। यहाँ पे देखो साइकिल बहुत ही सिंपल है, साइकिल को आपको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद वेरीफाई पे मैं क्लिक कर देता हूँ, हो गया। कलेक्ट योर टोकन पे मैं क्लिक करूँगा, तो हमारा जो अर्निंग है वो मुझे मिल जाएगा। देख सकते हो 30 कॉइन मिल चुका है। तो पहले यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा था 40 कॉइन, तो 40 कॉइन यहाँ से आज से 3-4 दिन पहले वो 40 कॉइन दे रहा था, ठीक है। अभी यहाँ पे 30 कॉइन कर दिया है, तो फटाफट लूट लो जितना जल्दी हो सके, ठीक है। तो इस साइड में आके आप काम कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको अर्निंग करके दिखा दिया। और थ्री लाइन पे मैं क्लिक करूँगा, तो आप यहाँ पे व्यू एड्स का जहाँ आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आके जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया आप अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। तो यही 2 मिनट से आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकते हो। बाकी जो ऑफ़र है, गेम्स है, टास्क है, वो सब एनी टाइम जब यहाँ पे ऑफ़र चलता है उसी टाइम आप आके यहाँ पे चेकआउट करके अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। जो मैंने 2 मेथड जो सबसे मेन है वो मैंने आपको बता दिया। तो गैस अब बात करते हैं यहाँ पे विड्रॉ लेने के लिए, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया विड्रॉ कैसे करोगे, तो विड्रॉ लेने के लिए आपको सिंपल सा जैसे कि मैंने आपको बता दिया पेटीएम में मिलेगा। और यहाँ पे एक गाइस मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे आप रेफ़र करके भी अर्निंग कर सकते हो। जो आप अपने रेफ़र लिंक शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ, आपका फ्रेंड्स यहाँ पे जो काम करेगा उसके थ्रू आपका यहाँ पे जो कमीशन है वो परसेंटेज के रूप में आपको अर्निंग मिलेगा, ठीक है, आपके डैशबोर्ड में। तो अब मैं बताता हूँ यहाँ पे आपको विड्रॉ लेने के लिए क्या करना होगा। सिंपल से यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आपका डैशबोर्ड है वो शो करेगा, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो जो मेरा बैलेंस यहाँ पे 320 कॉइन हो चुका है। अब 320 कॉइन्स का मैंने कितना अर्निंग हुआ है मेरा इंडियन रुपए में, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। इंडियन रुपए में पेटीएम में लेना चाहते हो पेटीएम में ले सकते हो, या फिर डॉलर में लेना चाहते हो पेयर अकाउंट में ले सकते हो, ठीक है। बिटकॉइन में भी ले सकते हो, क्रिप्टो करेंसी में भी ले सकते हो। तो गाइस क्या करना होगा, देख सकते हो जैसा कि मेरा यहाँ पे 320 कॉइन हो चुका है। अब मैं सिंपल सा इसको विड्रॉ लेने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे विड्रॉ वाले बटन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे देख सकते हो विड्रॉ का लिखा है, यहाँ पे क्लिक करोगे। एंड क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको करेंसी सेलेक्ट करना होगा कि कौन सी करेंसी में आप विड्रॉ लेना चाहते हो। देख सकते हो फर्स्ट में बिटकॉइन, लाइटकॉइन, TRX, ठीक है, और यहाँ पे पेटीएम का ऑप्शन, और डॉलर में पेयर का ऑप्शन। तो इंडिया के लिए पेटीएम में लेना चाहेंगे सभी बंदे, तो पेटीएम पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। पेटीएम को सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद स्क्रॉल अप करोगे यहाँ पे, थोड़ा ऊपर आने के बाद यहाँ पे अमाउंट में जाओगे। अमाउंट में जाने के बाद यहाँ पे देखो तो आपका 320 कॉइन का कितना रुपए यहाँ पे बना वो दिखा रहा है। यहाँ पे देखते हो मेरे पास 320 कॉइन्स है, उसके बदले में मुझे यहाँ पे इंडियन रुपए में इतना अर्निंग मैंने किया 0.25। यहाँ पे देखो तो जो मेरा इंडियन रुपए में मैंने इतना अर्निंग किया है, ठीक है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे अभी कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। मान के चलो आपका यहाँ पे एक कैप्चा का 30 कॉइन मिल रहा है, ठीक है। इतने रुपये एक कैप्चा का आपको सॉल्व करने का मिल रहा है, 0.02 पैसे यहाँ पे मिल रहा है एक कैप्चा सॉल्व करने का, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे 1000 कैप्चा सॉल्व कर दिया तो आपके यहाँ पे कितना अर्निंग होगा, 1000 कैप्चा का आपके पास हो जाएगा 30,000 कॉइन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 30,000 कॉइन्स डाल देता हूँ। 30,000 कॉइन्स में जैसे ही आप यहाँ पे अर्निंग कर लोगे, आप यहाँ पे इंडियन रुपये में 23 रुपीस की अर्निंग कर लेते हो 1000 कैप्चा को सॉल्व करके, ठीक है। तो मान के चलो आपने यहाँ पे पर डे 5000 कैप्चा को सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पे 3×5=15 मतलब 1,50,000 कॉइन की अपने अर्निंग कर लिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1, 2, 3, ठीक है। 1,50,000 कॉइन की अगर आपने अर्निंग कर लिया तो आप यहाँ पे 117 रुपीस की अर्निंग कर ले तो देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कहा ये 5000 कैप्चा को सॉल्व करने का अर्निंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। 5000 कैप्चा सॉल्व करोगे 30 कॉइन के हिसाब से आपका यहाँ पे 1,50,000 कॉइन्स होता है, और उसके
इंडियन रुपए में कन्वर्ट करोगे तो आपका यहाँ पे 117 रुपीस की अर्निंग कर लोगे, ठीक है, 17 रुपीस का अर्निंग कर लोगे। तो गाइस इसी तरीके से आपको यहाँ पे काम करके अर्निंग करना होगा। और गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो मिनिमम आप विड्रॉ ले सकते हो वो आपको मिलेगा 25,000 कॉइंस का, ठीक है। 25,000 कॉइंस का जब आप अर्निंग कर लोगे तब आपका यहाँ पे इंडियन रुपए में कितना होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो 25,000 कॉइंस का यहाँ पे होता है आपका 19 रुपीस, ठीक है। 19 रुपीस यहाँ पे जैसे आप अर्निंग कर लेते हो वैसे आप यहाँ पे अपने पेटीएम अकाउंट में विड्रॉ ले सकते हो। 24 आवर्स में आपके पेटीएम अकाउंट में पैसा चला जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, आप विड्रॉ कैसे लोगे, जैसा कि मैंने आपको विड्रॉ का मेथड बता दिया कि आप यहाँ पे कितना अर्निंग करोगे, 1,000 कैप्चा का कितना अर्निंग करोगे, 1 कैप्चा का कितना अर्निंग करोगे, सब कुछ मैंने डिटेल शेयर कर दिया। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर देना। तो गाइज यहाँ पे विड्रॉ लेने के लिए सिंपल सा अभी आपको यहाँ पे वॉलेट पे क्लिक करना होगा। मान के चलो आपने 25,000 कॉइंस टोकन की अर्निंग कर लिया, 19 रुपीज़ की अर्निंग कर लिया, तो सिंपल सा यहाँ पे आप वॉलेट वाले ऑप्शन पे आओगे। आने के बाद यहाँ पे जो भी अपना पेटीएम नंबर है पेटीएम नंबर को डालोगे, ठीक है। और अगर आपका पेयर अकाउंट है तो पेयर अकाउंट का जो एड्रेस है, ईमेल आईडी होता है तो ईमेल आईडी जो भी एड्रेस है उसको आप यहाँ पे पेस्ट करोगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे विड्रॉ वाले बटन पे क्लिक करना होगा एंड आपका विड्रॉ यहाँ पे सक्सेसफुली लग जाएगा, ठीक है। और 24 आवर्स में यहाँ पे विड्रॉ मिल जाता है। तो गाइस मेरा वीडियो यही था, अगर आपको अच्छा लगे लाइक जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना।